हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से पेन का यूज़ करके रियलिस्टिक आई ड्रॉ कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट पेंसिल का यूज़ करके आई की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ 0.3 की। पुपिल ड्रॉ कर लेते हैं बीच में और हाईलाइट के लिए थोड़ा एरिया छोड़ देते हैं। सो ये सिंपल सा मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब मैं पेन का यूज़ करके ऊपर से पहले यहाँ पे डार्क होगा तो यहाँ पे डार्क कर दूंगा। आयरिस से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पहले आयरिस को बिल्कुल अच्छे से शेड कर लेंगे, उसके बाद स्कैलरा और कम्प्लीट आई को शेड करेंगे। आयरिस के चारों तरफ पूरा डार्क कर दो पहले। और पेन में यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपल 2 रुपये वाला। पुपिल को भी डार्क कर देते हैं, बट पूरा डार्क नहीं करना उसको, पूरा मतलब गोल मत रखना क्योंकि उसमें हाईलाइट करना पड़ेगा ऊपर। इसमें हाईलाइट करने के लिए हमें जगह छोड़नी पड़ेगी या फिर वाइट पेन का यूज़ करना पड़ेगा। और बिल्कुल प्रेशर का अप्लाई करके जो भी डार्क एरियाज है उनमें प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ। सो ये स्ट्रोक्स देखो किस तरह से लगा रहा हूँ मैं, बिल्कुल स्लोली स्लोली इस तरह से, ताकि जो पेन है वो थोड़ा बाहर ना निकल जाए। थोड़ा सा भी बाहर निकल जाएगा तो हम इसको इरेज नहीं कर पाएंगे। तो स्लोली स्लोली इस तरह से हमने हैचिंग करनी है। इस तरह से चारों तरफ प्रेशर का अप्लाई करके हल्की हल्की हैचिंग करनी है चारों तरफ। अब बिल्कुल कम प्रेशर का अप्लाई करके इस तरह से हैचिंग करनी है। अब बीच में कहीं कहीं डार्क कर देते हैं प्रेशर का अप्लाई करके। अब मैं इस पार्ट में बिल्कुल लाइटली हैचिंग करूंगा बिल्कुल कम प्रेशर का अप्लाई करके। इस तरह से बिल्कुल लाइट प्रेशर का अप्लाई करके मैं बिल्कुल लाइट हैचिंग कर रहा हूँ। तो आपने इसी तरह से करनी है जब भी पेन का यूज़ करो। तो यहाँ पे प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ और लाइन लगा रहा हूँ इस तरह की, क्योंकि ये डार्क एरिया होता है, डेप्थ वाला एरिया।
लेजिस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस तरह से, आपने बस इस तरह से ऊपर की साइड स्ट्रोक्स लगाने हैं, जहाँ पे आप जितना डार्क करोगे उतना ज़्यादा डेप्थ आएगी। तो ये चीज़ का ध्यान में रखना कि जहाँ पे जितना आप डार्क करो उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो जितना ज़्यादा डार्क करना हो आपको उतनी ज़्यादा हैचिंग करते रहो बस, जैसे कि यहाँ पे मैं और ज़्यादा हैचिंग कर रहा हूँ। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लाइट मत छोड़ो कभी भी, उसको डार्क ज़रूर करो ज़्यादा ज़्यादा हैचिंग करके, और एकदम से डार्क प्रेशर का अप्लाई करके ज़्यादा डार्क मत कर देना, स्लोली स्लोली हैचिंग करनी पड़ेगी। अब आईलेजेस के लिए मैं ऊपर की साइड इस तरह से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। तो ये काफ़ी इजी है, आपने बस स्ट्रोक्स इस साइड राइट साइड में ऊपर की तरफ लगाने हैं, और लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ। तो इस तरह से अपने स्ट्रोक्स लगाने हैं और आपकी आई काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी। नीचे वाले आईलेजेस भी सेम वैसे ही ड्रॉ होंगे, राइट साइड में राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड की तरफ, और इस तरह से आपने स्ट्रोक्स लगाने हैं। और आईलेजेस आप ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल प्रेशर का अप्लाई करके। इसको और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए, 3D बनाने के लिए आप और ज़्यादा हैचिंग कर सकते हैं डेप्थ वाले एरियाज में, और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं उनको। लास्ट में आप हाईलाइट के लिए वाइट पेन का यूज़ कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छे आप हाईलाइट कर सकते हो जो भी वाइट एरियाज हैं उनमें। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल ड्राइंग। वैसे तो मुझे इसे कंप्लीट करने में अराउंड एक घंटा तो लग ही गया था, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल स्लोली स्लोली हैचिंग की है पेन का यूज़ करके। सो गाइस, आप भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरह से रियलिस्टिक। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरी ड्राइंग का, आप ड्रॉ कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मैं और भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा पेन ड्राइंग पे, कि और भी किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स या फिर फेस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। सो स्टे कनेक्टेड गाइज, विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।